देश की जानी मानी महिला पहलवान विनेश फोगाट ने बाकी पहलवानों के साथ मिलकर 18 जनवरी को जंतर मंतर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। वहीं देश के अन्य पहलवानों ने भी फेडरेशन पर मनमानी करने की बात कही। भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ विनेश फोगाट के अलावा बजरंग पुनिया, संगीता फोगाट, सोनम मलिक और अंशु मलिक जैसे पहलवानों ने भी मोर्चा खोल दिया है। विनेश ने WFI के खिलाफ हमलावर होते हुए कहा, अब हम झुकेंगे नहीं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। विनेश फोगाट देश और दुनिया की सबसे मशहूर महिला पहलवानों में से एक है। वो देश के लिए अब तक कुश्ती में दर्जन भर से ज्यादा मेडल्स जीत चुकी है। तो आइए पहले आपको विनेश फोगाट के करियर और उनके द्वारा जीते गए मेडल्स के बारे में बता देते हैं। साल 2013 में जोहान्सबर्ग में आयोजित यूथ रेसलिंग चैंपियनशिप में 51 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने रजत पदक जीता। इसी साल नई दिल्ली में एशियन चैंपियनशिप में 51 किलोग्राम कैटेगरी में वह कांस्य पदक जीतने में सफल रही। इसके बाद 2014 में इचियोन में आयोजित एशियन गेम्स में 48 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल पर उन्होंने कब्जा किया। विनेश ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह अब तक कुश्ती की कई प्रतियोगिताओं में से एक दर्जन से भी ज्यादा पदक जीत चुकी है। विनेश कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान है। इतना ही नहीं, विनेश फोगाट ने कुश्ती की कई प्रतियोगिताओं में से अब तक 16 पदक अपने नाम किए हैं। इनमें 5 गोल्ड है, 4 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। पहले उनके गोल्ड मेडल की बात करते हैं। विनेश एशियन चैंपियनशिप में 1, राष्ट्रमंडल खेलों में 3 और एशियन गेम्स में 1 गोल्ड मेडल जीती हैं। वहीं विनेश ने यूथ रेसलिंग चैंपियनशिप में 1 और एशियन चैंपियनशिप में 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। इसके अलावा विनेश फोगाट एशियन चैंपियनशिप में 4, एशियाई खेलों में 1 और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल अपनी झोली में डालने में सफल रही है। विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994 को हरियाणा में हुआ। 26 साल की विनेश फोगाट हरियाणा के भवानी जिले के छोटे से गांव बलाली की रहने वाली है। उनका जन्म पहलवान घराने में हुआ। विनेश ने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था। इसके बाद उनकी मां ने उन्हें बड़े ही लाड प्यार से पाला और उन्हें बड़ा किया। गांव की जमीन के मसले को लेकर उनके पति का कत्ल कर दिया गया था। चाचा महावीर सिंह फोगाट ने उन्हें पहलवान बनने में बड़ा योगदान दिया। विनेश का जन्म भले ही पहलवान घराने में हुआ था, मगर कुश्ती में उन्हें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। मगर पहलवानों के माहौल में बड़ी हुई विनेश फोगाट को धीरे धीरे कुश्ती में रुचि आने लगी और वो देखते ही देखते देश की बड़ी पहलवान बन गई। 13 दिसंबर 2018 को विनेश की शादी सोमवीर राठी से हुई, जो प्रोफेशनल पहलवान है। तो ये था विनेश फोगाट का सफर। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।